हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज छोड़िए हम बात करेंगे आपका अपना वोटर कार्ड में अपना मोबाइल नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं नया तरीका दो हज़ार चौबीस में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं इसके लिए प्ले स्टोर से आपका वोटर हेल्पलाइन ऐप है जो आपको इसको डाउनलोड करके आपको उसको ओपन करना है इसे आपका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके बाद आपको थ्री लाइन्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको लॉग इन कर लेना है अगर आपका ये अकाउंट पहले से ही है तो अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल कर यहाँ से आपको लॉग इन कर लेना है अगर आप इस पर पहली बार आए हैं तो आपको न्यू यूज़र पर क्लिक करना है न्यू यूज़र पर क्लिक कर कर यहाँ पर अपना जो अकाउंट आपका बना लेना अपना नाम डाल कर पासवर्ड आप अप अपना कोई कैपिटल अक्सर अपना नाम एड दो चार पाँच से अपना डाल सकते हैं उसके बाद ओ डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है सबमिट करने के बाद आपका जो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा यू अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुल आपका अकाउंट हो चुका है ओके okay, पर क्लिक कर कर आपको वापस बैक लॉगिन पर आ जाना है अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर आपको सेंड ओटीपी क्लिक करना है आपके नंबर पर ओटीपी आएगा ओटीपी फिल कर कर आपको लॉगिन नाउ पर क्लिक कर देना आप यहाँ से लॉगिन हो जाओगे लॉगिन होने के बाद आपके सामने पर इंटरफेस आएगा यहाँ आप पर आपको ऑप्शन दिखेगा वोटर रजिस्ट्रेशन आपको इस पर क्लिक करना इसके बाद आपको नीचे आना फॉर्म नंबर आठ कुरेक्शन वाले पर आपको इस पर क्लिक करना जैसा कुरेक्शन वाले पर क्लिक करते हैं इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको लेस्ट स्टार्ट पर क्लिक करना है अगर आपके पास वोटर गाइड नंबर है तो आप ये इस पर क्लिक कर अगर नहीं पता गुम हो गया है तो अपनों पर क्लिक करके कर यहाँ से अपना जो वोटर कार्ड नंबर आप फाइंड कर सकते अपनी नाम डालकर एज डालकर स्टेट डालकर जैसे मैं नाम डालता हूँ उसके बाद जेंडर मेल फीमेल उसके बाद अपनी एज डालता हूँ उसके बाद अपनी स्टेट सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से इसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद अपनी असेंबली उसके बाद फैस डिटेल करते हैं आपके सामने आपका जो वोटर कार्ड है वो शो हो जाएगा वोटर कार्ड नंबर वहाँ से आपको वोटर कार्ड नंबर कॉपी करके यस पर आपको क्लिक करना है यस आई ये वोटर कार्ड अपना वोटर कार्ड नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना उसके बाद अपने स्टेट सेलेक्ट कर लेने हैं उसके बाद आपको फर्स्ट डिटेल पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको प्रोसेस पर क्लिक करना है आपकी डिटेल शो हो जाएगी उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है आपको सबसे नीचे आ जाना है यहाँ पर आपको अपना जो आधार कार्ड नंबर फिल कर देना है उसके बाद अपना मोबाइल नंबर नीचे आपको अपनी जो ईमेल आईडी ईमेल आईडी फिल कर देनी है उसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते आपके सेकंड ऑप्शन दिखेगा आपको क्रक्शन ऑफ़ इंटर इन एग्जिट इलेक्ट्रोपोल आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद हमने क्या चेंज करना चाहते हैं मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आपको से सेकेंड नंबर पर देखेगा मोबाइल नंबर आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है या पर जस्ट जैसे चेक बॉक्स पर आप क्लिक करते हैं इस पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर जब नंबर फिल करना चाहते हैं तब नंबर फिल करना है वेरीफ़ाई करना और आपको कोट वेरीफाई कर देना आपका जो नंबर यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा वेरीफाई होने के बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको बड़ा नाम प्लेस अपने गांव का नाम या शहर का नाम फिल कर सकते हैं कोई इशू नहीं है इसमें उसके बाद आप प्रोसेस कर कर आपको अपना प्रव्यू दिख जाएगा यहाँ पर उसके बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक कर, कर आपका जो अप्लाई हो जाएगा और नंबर चेंज के लिए आप यहाँ से आपको रिक्रेंस आई डी मिलेगी जिससे आप अपना ट्रैक कर सकते हैं कि आपका कहाँ तक आपकी प्रोसेस हुई है ट्रैक कैसे करना आपको जैसे हम मौके पर क्लिक करते हैं ओके पर क्लिक करने के बाद आपको वोटर रजिस्ट्रेशन पर आ जाना है वोटर रजिस्ट्रेशन पर आने के बाद आपको चेक पर क्लिक करना है जो चेक ट्रैक स्टेटस ऑफ चेक है इस पर यह आप अपनी रिफ्रेस आई डी डालकर उसके बाद अपनी स्टेट सेलेक्ट कर कर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अगर आप रिफ्रेस आई डी भूल चुके हैं तो आपको अपलाइड फॉर्म में दिख जाएगी यहाँ पर जो जब अपनी फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेनी हो यहाँ पर आपके सामने आपकी शो हो जाएगी अभी आपकी सबमिट हो चुकी है उसके बाद बी एल ओ के पास आएगी उसके बाद फिर उसके बाद आपकी एक्सेप्ट होगी इस प्रकार से तो थैंक यू फॉर